इंदौर के तनिष्क शोरूम में चोरी की घटना सामने आई है। चोरी को किसी और ने नहीं बल्कि शोरूम के कर्मचारी ने अंजाम दिया है। सेल्समैन ने बॉक्स से असली आभूषण निकालकर नकली रखकर करीब 3 लाख रुपए की चोरी की वारदात की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कर्मचारी की तलाश शुरू कर दी है। कर्मचारी द्वारा अपने ही शोरूम में चोरी की घटना विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित तनिष्क शोरूम की है, जहां सेल्समैन का काम करने वाले आशीष जाधव ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आशीष ने शोरूम में अकेला पाकर आभूषणों से भरे बॉक्स को निकाला और उसमें से असली आभूषण निकालकर उसके स्थान पर बेंटेक्स के नकली आभूषण रख दिए। जब आभूषणों की जांच की गई तो 7 आइटम नकली पाए गए, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो सेल्समैन आशीष जाधव की चोरी पकड़ी गई। शोरूम संचालक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कर्मचारी की तलाश शुरू कर दी है। एक फरियादी आई थी निर्मल संचेती, इनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनका जो तनिष्क का शोरूम है विजयनगर एरिया में, वहाँ पे उनके एक कर्मचारी जो कि आशीष जाधव नाम है, उसके द्वारा कुछ सामान की वहाँ चोरी की है और उस सामान असली सामान की जगह नकली बेंटेक्स का सामान रख दिया है। 3 दिन तक उसने लगातार ये घटना को वारदात को अंजाम दिया। कोई एक सामान निकाल ले, एक सामान रख दे, एक सामान निकाल ले, एक सामान रख दे, इस प्रकार से करते करते उसने 7 आइटमों की चोरी की है। आरोपी अभी फरार चल रहा है और उसके द्वारा ये सोने के आभूषणों की जो चोरी की है, हमारे द्वारा लगातार प्रकरण पंजीबद्ध करके सारा आरोपी की तलाश की जा रही है। हाँ, इसका सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसी को आधार मानकर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, लगभग कितने की लगभग 3 लाख रुपए की चोरी का। इंदौर से गणेश चौहान की रिपोर्ट।